हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काले लंबे और घने बाल, उसके साथ साथ बालों को सिल्की रखना, बालों को स्मूथ रखना, स्ट्रेट रखना, ये तो हम सबकी ख्वाहिश होती है। पर ख्वाहिश रखने से ही क्या ये सारी चीज़ें पूरी हो जाती है? तो मैं कहना चाहूँगी कि हाँ, पूरी हो सकती है अगर आप हर्बल और आयुर्वेदिक और होम रेमेडीज़ के ऊपर डिपेंड करके अपने बालों का ट्रीटमेंट करें। तो आज के एपिसोड में मैं दिखाने वाली हूँ ट्यूटोरियल और किस तरीके से इसको किया जाता है। आपको सिर्फ अपने शैम्पू में दो चीज़ें मिलानी हैं और उससे आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे, घने और काले भी रहेंगे, उसके साथ साथ सिल्की और स्मूथ भी रहेंगे। तो चलिए आज के एपिसोड शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर चैनल पर नए हो और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, पूरा एपिसोड देखना। अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्त और फैमिली के साथ। आप चाहो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जुड़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। तो फिर चलिए इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आपका नॉर्मल जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हो उसको लगेगा, तो आप इसको थोड़ा मेजरमेंट करके लेना तो आपको इजी पड़ेगा। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 चम्मच, क्योंकि मेरे शॉर्ट हेयर है तो मुझे 3 चम्मच से हो जाएगा। आपको जितना भी अगर लंबे बाल है तो उस हिसाब से आप अपने शैम्पू के अमाउंट को बढ़ा या घटा सकते हो। तो मैं हालाँकि 3 चम्मच शैम्पू ले रही हूँ, आपको जितना लगे आप उतना ले सकते हो। तो मैंने 3 चम्मच शैम्पू मेजरमेंट करके ले लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ कि इसमें हमें और क्या ऐड करना है। अब शैम्पू के अंदर आपको ऐड करना है एलोवेरा जेल। ये आप ताज़ी भी ले सकते हो जो कि पत्तों से निकलता है, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप मार्केट का जेल भी ले सकते हो। तो इसको भी आपको उतना ही अमाउंट में लेना है जितना अमाउंट में आपने शैम्पू लिया था। इसीलिए मैंने कहा था कि चम्मच से मेजरमेंट करके लेना अच्छा होता है। तो मैंने 3 चम्मच शैम्पू लिया था तो मैं 3 चम्मच एलोवेरा का जेल लूँगी। अगर आपने शैम्पू को बढ़ाया होगा तो आप उस तरीके से एलोवेरा का अमाउंट भी बढ़ा सकती हो। नेक्स्ट हमें चाहिए विटामिन ई, जो विटामिन ई ऑयल का जो कैप्सूल आता है उसको आपको चाहिए। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एवियॉन 400 का। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कुछ लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो इसको जिस तरीके से इसका अंदर का ऑयल हमें निकालना होता है, आप सीजर से उसको थोड़ा सा काट के इस तरीके से उसको प्रेस करके उसके अंदर का सारा ऑयल आप निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 विटामिन ई की कैप्सूल। आपको भी 2 ही विटामिन ई की कैप्सूल लेनी है। अगर आपके लंबे बाल भी है तो उस हिसाब से आपको विटामिन ई की कैप्सूल को बढ़ाने की ज़रूरत है नहीं। जितना भी लंबे बाल हो या शॉर्ट हेयर हो, आप 2 विटामिन ई की कैप्सूल से वो चल जाएगा। तो आपको 2 विटामिन ई की कैप्सूल ले लेने हैं तभी इन सारी चीज़ों को हमें इकट्ठे मिक्स करना है। और ये आपका शैम्पू का बेस बनकर रेडी हो चुका है। अब आप जिस तरीके से नॉर्मली अपना हेयर वॉश करते हो, यानी कि बालों को धोते हो, शैम्पू करते हो, उसी तरीके से आप इसी शैम्पू के मदद से, इसके अंदर और कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो इसके मदद से आप अपने जो भी शैम्पू करना होगा उसको आप करोगे। इसके बाद अगर आप चाहो तो कंडीशनर लगा सकते हो, चाहो तो सीरम लगा सकते हो। पर अगर आप सीरम या कोई भी मार्केट प्रोडक्ट का यूज़ नहीं भी करते इस ट्रीटमेंट के बाद, फिर भी आप देखोगे कि आपके बाल बहुत ज़्यादा ऐसे ही नेचुरली बहुत ज़्यादा स्मूथ, सॉफ्ट और सिल्की लग रहे हैं। और ये आपके ये जो भी ट्रीटमेंट होता है ये आपके बालों को जड़ से बहुत ज़्यादा मजबूत करता है, क्योंकि आपने देखा इसके अंदर हमने विटामिन ई डाला है, इसके अंदर हमने एलोवेरा डाला है। तो ये आपके बालों की ओवरऑल हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, आपके न्यू हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, आपके डैंड्रफ, छोटे मोटे रैशेज, उससे भी छुटकारा दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। बस प्लीज़ इस रेमेडी को घर पे ट्राई करो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना कि आपको कैसा इफेक्ट आया। आप चाहो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जुड़ सकते हो। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लग गया हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नोटिफिकेशन बटन को हिट करना मत भूलना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैं कब कौन सा एपिसोड डाल रही हूँ। तो चलिए आज के एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में। टेक केयर एंड बाय बाय।